बात करते हैं ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल की एनर्जी की तो लेट्स ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है व्हाट इज द एनर्जी फॉर ट्वेंटी सेकंड ऑफ अप्रैल ट्वेंटी टू और ट्वेंटी सेकेंड की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है इट फील्स लाइक ट्वेंटी सेकेंड के uh, जो भी uh, एनर्जी शिफ्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं क्योंकि तीन कार्ड जो है वो एक साथ आ गए हैं और फर्स्ट कार्ड जो है यहां पर अगर आप देखें एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है गॉड प्रोटेक्टर एंड सेवियर और यहां पर अगर आप देखें तो एक हेड है जो इसने एंजल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है एंड इट लुक्स लाइक अ डेवल हेड जिसको उसने कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया है और पकड़ लिया है और ये कार्ड बोलता है ट्रुथ एंड जस्टिस प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज वन हु स्टील वंस फॉर्च्यून सो हु वुड स्टील वंस फॉर्च्यून अच्छा सो um, बेसिकली so ये कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेशन देता है दैट जो ट्वेंटी सेकेंड की एनर्जी होगी वो बहुत पावरफुल एनर्जी होने वाली है जस्टिस और ट्रुथ जो है uh, वो बहुत पावरफुल रहने वाला है तो सच की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी जो है बहुत पावरफुल रहने वाली है और जो किसी और की किस्मत जो है चुराने की कोशिश करते हैं विच मीन्स दैट किस तरह का फ्रॉड करते हैं किसी तरह की गलत काम किए हैं वो जो है उनको पकड़ा जाएगा या उनके अगेंस्ट सोसाइटी को लोगों को प्रोटेक्शन मिलने की एनर्जी जो है दिख रही है मुझे और ये तीन तीन कार्ड है तो दूसरा कार्ड जो है वाओ लाइक दिस आर वेरी वेरी पावरफुल कार्ड एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है द अडोर्ड गॉड और अगर आप यहां पे देखें तो आपको Uh, एक बर्ड शेप का गॉड बर्ड शेप दिखाई देगी आउल टाइप uh, की ये शेप है और यहां पे बीच में एक आई दिखाई देगी एंड दिस इज डिवाइन ब्लेसिंग्स ड्राइव्स अवे इविल स्पिरिट्स रूल्स अगेंस्ट रूल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो ये जो है इविल स्पिरिट के अगेंस्ट का कार्ड है ये भी जो दूसरों की फॉर्चून uh, को चुराते हैं उन एनिमल्स के खिलाफ प्रोटेक्शन का कार्ड है और जो तीसरा कार्ड है वो सेवन ऑफ वनस का कार्ड है द एक्सपेक्टेड गॉड और ट्वेंटी नाइन नंबर का कार्ड है और वो लिबरेशन डिलिबरेशन फ्रॉम एनिमीज बोथ विजिबल एंड इनविजिबल तीनों ही कार्ड एनिमीज की बात कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी होने वाली है जहां पर किसी भी तरह के दुश्मन चाहे वो देश के दुश्मन हो इंसानियत के दुश्मन हो अच्छाई के दुश्मन हो आ, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है और डेफिनेटली वो जो दुश्मन है आ, या जो अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल समझते हैं लेकिन गलत एनर्जी में है वो पकड़े जाने वाले हैं जस्टिस और ट्रुथ जो है वो डेफिनेटली होने वाला है वो डेफिनेटली uh, ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और डिवाइन uh, एनर्जीज जो है ब्लेसिंग की एनर्जीज जो है वो होने वाली है और जो भी नेगेटिविटी है इविल है वो इट विल बी शूड अवे इट विल बी टेकन अवे इट विल बी थ्रोन अवे दैट काइंड ऑफ एनर्जी और एक आठ प्लस दो दस होते हैं और चार एक पांच छिक्स की एनर्जी सो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी है आ, ध्यान रखिये आप पॉजिटिव रहें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बैलेंस रखें जितना ज्यादा हो सके स्टक एनर्जी में न जाए चीजों को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपना ग्राउंड स्टैंड करें और डेफिनेटली कुछ न कुछ बहुत स्ट्रांग पावरफुल जो है वह ट्वेंटी फर्स्ट की एनर्जी में आ, मुझे ट्वेंटी सेकेंड की एनर्जी में ट्वेंटी सेकेंड अप्रिल की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ पावरफुल चेंजेस जो होंगे और जो विजिबल भी होंगे क्योंकि यहाँ पे आई है जो सब कुछ देख रही है तो आ, कुछ पावरफुल चेंजेस किसी का पकड़ा जाना कुछ पावरफुल चेंजेस जो विजिबल भी होंगे ट्वेंटी सेकंड की एनर्जी को लेकर और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें सबके साथ शेयर करें और लेट्स सी ट्वेंटी थर्ड की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है